मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैंने पहले ही दो हफ्तों के अंदर इवन जनवरी इनटेक में आके किस तरह से जॉब ढूंढ ली, या डोमिनोज वगैरह के साथ आप डिलीवरी की जॉब या किसी टेक अवे के साथ डिलीवरी की जॉब भी कर सकते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है साइम एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूके में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी हैं, एज अ स्टूडेंट और एज अ डिपेंडेंट आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं, कौन सी जॉब्स पर किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह फिजिकल जाकर अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ फिजिकल अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना है, आखिर कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन सी ऐसी एप्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली जॉब हंटिंग कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैंने पहले ही दो हफ्तों के अंदर इवन जनवरी इनटेक में आके किस तरह से जॉब ढूंढ ली, क्या क्या मेरी ऐसी स्ट्रेटजी रही, इस आज की सारी वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर तो गाइस आपको जल्दी है तो मैं कहूंगा इस वीडियो को सेव करके रख ले, बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि कौन सी सीवी आपकी किस जॉब के लिए आपने बनानी है और किस तरह से आपने सीवी बनानी है, कौन सी जॉब्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और ये भी बताने लगा हूं कि एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए आपको टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो चलिए जी, बिना किसी तखीर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए टोटल जो आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं आपके पास होने चाहिए, वो 6 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इजीली कोई भी जॉब पर लीगली अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले गाइस आपके पास BRP होना चाहिए, जिसे हम बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट बोलते हैं, जो कि आपको कैसे मिलेगा, या आपकी कुछ लोगों को उनकी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस यूनिवर्सिटी के जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है आपको उसके बारे में बता दिया जाता, तो आपने अपने पोस्ट ऑफिस से जाके अपना BRP बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कलेक्ट कर लेना। इसके बाद गाइस नंबर दो पे आपको चाहिए होता है आपका NI नंबर, आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या है, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑफिस, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी रिटेल की जॉब आपको हायर नहीं करने वाली लीगली, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपके पूरे साल की, पूरे टैक्स ईयर की जो सैलरी की डिटेल होती है वो आपके NI नंबर से ही आपको मिलती है, और वो आप कुछ नंबर जो है वो अपने ऑनलाइन गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पर जाकर आप डालते हैं हाउ टू फाइंड माई NI नंबर ऑन गूगल, तो आपको डिटेल आ जाएगी, उसको आपने फर्दर प्रोसीड कर लेना है। तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर के अकॉर्डिंग हर साल एक मिनिमम वेज डिसाइड की जाती है कि यहां से कोई भी जॉब है तो इससे कम तो कोई कंपनी अपने लेबर को या अपने एम्प्लॉय को पे कर नहीं सकती। जैसे लास्ट ईयर जब मैं आया था 2023 में, तब था बिल्कुल मैं टैक्स ईयर से पहले आया था जनवरी में, तो मेरी जॉब हुई थी 9.42 पे, फिर एक पाउंड बढ़ गई तो बन गई 10.42, फिर इस साल फिर एक पाउंड बढ़ गई तो बन गई 11.44। तो अभी जो मिनिमम वेज चल रही है वो 11.44 है, मतलब इससे कम तो आपको कोई भी एम्प्लॉयर आपका पे कर ही नहीं सकता। तीसरे नंबर पे गाइस जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका PCC, आपका पुलिस क्लियरेंस करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होता है, जो अपने साथ लाइएगा, जिसके बिहाफ पर कोई भी एम्प्लॉयर इस बात के बारे में कंफर्मेशन कर पाता है कि इस बंदे का पीछे इसके बैक कंट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। नंबर चार गाइस आपका DBS UK बेस्ड होता है, जिसे डिस्क्लोजर बेयरिंग सर्विस बोलते हैं, तो ये आप UK में भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, कुछ लोग इसका चार्ज करते हैं लेकिन आप ऑनलाइन भी अपना यहां पर भी DBS ले सकते हैं। नंबर पांच आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स गाइस अगर आप सैलरी आपकी आ रही है तो लीगली आपका एम्प्लॉयर ऑन NI आपके ऑफ कोर्स बैंक में भेजेगा। अब बैंक कौन कौन से हैं, जैसे अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप मोन्जो ऑनलाइन अकाउंट है वो भी बना सकते हैं, रेवोल्यूट है वो भी बना सकते हैं, साथ में मैं जैसे इधर था तो मैंने बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड में मौजूद था तो मैंने बैंक ऑफ स्कॉटलैंड बना लिया। अब जहां कहीं भी लॉयड्स बैंक, बार्कलेस बैंक, आप ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सिक्स गाइस आपकी सीवी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है। ऑफ कोर्स आपने पढ़ लिया है, आपके पास जॉब ढूंढने जा रहे हैं, आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं और आपकी सीवी नहीं है, तो आपके पास एक आपकी अच्छी सीवी भी होनी चाहिए। किन जॉब्स के लिए कौन सी सीवी आपको चाहिए, किस किस्म की होनी चाहिए, इसके बारे में भी आगे चल के गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो दीज वर द 6 डॉक्यूमेंट्स दैट यू मस्ट नीड टू हैव बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब। अब बात कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कैसे करते हैं। सारी जो भी कंपनीज हैं, जिन भी जॉब्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर तो करियर्स पे कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक थर्ड पार्टी ऐप है इंडीड और टोटल जॉब्स।
मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो भी डाउनलोड करके वहां से आप अपनी सीवी भी खैर बना सकते हैं, और वहां पर आपको सारी जॉब जिसके बारे में भी आप सर्च करेंगे आप वहां से जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वॉज अ मीडियम ऑफ यू टू फाइंडिंग द ऑनलाइन जॉब्स। अब हम बात अगर करें कि आपने फिजिकल जॉब, गाइज देखो घर में बैठना छोड़ दो, ऑनलाइन आपने अप्लाई कैसे करना है, जब आप घर फ्री हैं, थक कार के आ गए हैं, रात को लेटे हैं, तब ऑनलाइन अप्लाई करते जाए। बट मेरी जो ज्यादा प्रेफरेंस थी और मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि गाइज मैं रोज अपने हाथ में 10 से 15-20 सीवीज लेके निकल जाता था और भाई हर दरवाजे को खटखटा के जो है ना मैं सीवी देता था। तो याद रखिएगा कि आपने फिजिकल, आपकी हंटिंग जितनी ज्यादा होगी इससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, इससे आपकी पीआर, यहां पर पीआर गाइस बहुत मैटर करती है, आपके पब्लिक रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं, रेफरेंसेस किसी भी जॉब के लिए बहुत मैटर करते हैं। अब फूड सेक्टर्स में कौन कौन सी आप जॉब्स ऐसी अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट है जिनमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको एटलीस्ट मिनिमम वेज पर जो है ना जॉब मिलेगी, जिनमें मैकडोनल्ड, KFC, ग्रेग्स, स्टारबक्स, सबवे, पेपर्स पेरी पेरी, टैको बेल्स, देर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और कुछ जो है ना इनमें से फिजिकल लेते हैं, बाकी इनके यूजली वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ता है या समटाइम इंडीड पर भी आप अप्लाई कर देते हैं। सो दीज आर द फूड सेक्टर्स जहां पर आप रेस्टोरेंट में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद रिटेल की गाइज एज अ कस्टमर सर्विस भी आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं, जिसमें JD, फूड लॉकर, Primark, MNS, देर आर सो मेनी अदर ऑप्शन गाइज, Nike वगैरह बहुत से। आप जाएंगे ना कहीं भी किसी भी शॉप में, किसी भी मार्केट में, तो आपको अपने ही एशियंस कम्युनिटी के लोग दिख जाएंगे। तो इधर जॉब अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया वो क्या होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई इनकी वेबसाइट्स पर जाकर करते हैं। यहाँ पर इंडीड पर भी जॉब्स दिखती हैं, लेकिन गाइज एक जॉब के लिए 50-50, 100-100 एप्लीकेशन होती हैं, तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। समटाइम रोज आपको इतनी ईमेल्स आती हैं इंडीड पर, तो आप अपनी रोज ईमेल चेक करते रहिएगा। पाकिस्तान इंडिया में हम ज्यादा अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, यहां पर हर रोज जब आपने सो के उठना है, ऑनलाइन होना है, तो आपने अपनी जो ईमेल्स है उनको आपने चेक करना है। ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो आ जाता है लिडल, सेंसबरी, एज़ा, टेस्को, मोरिसंस, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। तो एज अ रिटेलर, एज अ कस्टमर सर्विस, मतलब जो प्रोवाइडर ग्रोसरी स्टोर्स में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इनकी वेबसाइट्स पर जाकर। तो और अगर ये सब कुछ नहीं है तो गाइज आप लीगली 20 आवर्स एज अ स्टूडेंट डिलीवरी भी करना चाहते हैं तो किसी से अकाउंट डिलीवरी रेंट पर लेकर आप कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर ग्लासगो में हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर सकते हैं कि ग्लासगो के भी हमने एक डिलीवरी राइडर्स का ग्रुप बनाया है, वहां पर ऐड होकर आप रेंट पर किसी से अकाउंट ले सकते हैं और लीगली 20 आवर्स ही डिलीवरी कर रहे हैं। स्टूडेंट ज्यादा करते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि एटलीस्ट जब तक आपका स्टूडेंट स्टेटस है तब तक आप किसी किस्म की भी ऐसी इलीगल काम ना करें, क्योंकि उसके बाद आपने पैसा ही कमाना है और उसके बाद आपने यही सारे काम करने हैं। तो आप 20 आवर्स डिलीवरी भी कर सकते हैं या डोमिनोज वगैरह के साथ आप डिलीवरी की जॉब या किसी टेक अवे के साथ डिलीवरी की जॉब भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास अपनी व्हीकल होनी चाहिए। और अगर आपके पास इनफ बजट है, साथ में इंटरनेशनल लाइसेंस ला रहे हैं, तो गाड़ी ले सकते हैं, नहीं तो आप साइकिल पर भी डिलीवरी कर सकते हैं। तो चले गाइस आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें। कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।